well. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑरलैंड। कुछ ऐसे टीनेजर्स जिनको मुसीबत का पता होते हुए भी वे कुछ ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं जिनसे उनको सबसे ज़्यादा जान का खतरा हो। क्या वे लोग उस जगह से निकल पाएंगे और आखिर उन लोगों का मकसद क्या होगा, ये हम आज की कहानी में देखेंगे। मूवी की कहानी शुरू होती है सिंडी नाम की एक लड़की से, जो कि नेकेड जख्मी हालत में एक कॉर्नफील्ड में भाग रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि सिंडी किसी से डरकर भाग रही थी। सिंडी को ऐसा लगता है कि वो भाग गई है, लेकिन तभी उसी टाइम हॉरर कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग सिंडी के सामने आते हैं और उनमें से एक लड़की बड़ी बेरहमी से सिंडी के सर को बीच में से काट डालती है और सिंडी की वहीं पर मौत हो जाती है। सीन कट होता है और कहानी फिर 15 साल के बाद में शुरू होती है, जहाँ पर हम ब्रेंडन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड वेंडी को मसाज दे रहा था। ब्रेंडन को सरप्राइज देने के लिए वेंडी उसके बेड के नीचे छुपी हुई थी। फिर वेंडी बेड के नीचे से निकलकर ब्रेंडन को सरप्राइज देती है। अब दोनों थोड़ा रोमांटिक हो ही रहे थे कि तभी वहां पर ब्रेंडन की मदर सारा उनके दोस्त रस्टिन और उनकी बहन मेलिनी को ब्रेंडन के रूम में ले आती है। उन सभी का एग्जाम खत्म हो चुका था और हॉलीडे में वे लोग किसी एक्साइटिंग जगह पर जाने वाले थे। तभी रस्टिन उनको उसी कॉर्नफील्ड के हॉरर थीम पार्क के बारे में बताता है जो कि हर साल वहां पर होता है और 15 साल पहले वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी जिसके शरीर से चमड़ी निकाल ली गई थी। लोग उस मर्डर को किसी शैतानी कल्ट का हिस्सा मान रहे थे, लेकिन डस्टिन और बाकी सब उस मर्डर को सच नहीं मानते थे। उनको ऐसा लगता है कि ये उसी हॉरर थीम पार्क का कोई एक्ट होगा, उस पार्क को पॉपुलर बनाने के लिए ये झूठी खबर फैलाई गई होगी। सभी उसी कॉर्नफील्ड के लिए निकल जाते हैं और मेलिनी यहाँ पर अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू को अपने बूट्स में छुपा कर रख लेती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने फिल्म की शुरुआत में सिंडी का मर्डर किया था, और अजीब बात यह थी कि ये लोग 15 साल के बाद भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखाई दे रहे थे। उस मर्डर ग्रुप का लीडर था उन सभी का पिता एड, जेमी, डेकिन, जैक, बर्नार्ड, एंडी और केविन एड के बच्चे थे। सभी एक दूसरे से अपना हाथ मिलाकर इस बार अपने काम को सही से करने का प्रॉमिस करते हैं। फिर दूसरी तरफ ब्रेंडन, मेलिनी, वेंडी और रस्टिन कॉर्नफील्ड के हॉरर थीम पार्क तक पहुंच जाते हैं। उनको यहाँ पर पता नहीं था कि वहाँ पर एंडी उन पर नजर रखे हुआ था। वे सभी टिकट लेने जाते हैं और वहीं पर उनके हाथ में एक स्टाम्प लगाई जाती है। स्टाम्प की चेकिंग के टाइम पर सिर्फ मेलिनी के स्टाम्प से ही एक आवाज़ निकलती है और स्टाम्प को चेक करने वाला एक आदमी एड को इस बात की खबर देता है। एड जल्दी से वहाँ पर आकर उनसे मिलता है और उनको 10,000 कस्टमर में से लकी विनर कहता है, जो कि उनकी कॉर्नफील्ड मेज के गेम को खेल पाएंगे और जो भी मेज गेम को पूरा कर पाएगा उनको $10,000 दिया जाएगा। इतना बड़ी प्राइस मनी सुनकर सभी उस गेम को खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। एड उनको अपनी गाड़ी में मेज के अंदर लेकर जाता है और अब वहाँ से उनको बाहर निकलना था। जो भी सबसे पहले बाहर निकलेगा वो $10,000 प्राइज मनी जीत ले जाएगा। सभी लोग अलग अलग रास्ते लेते हैं ताकि कोई तो हो जो कि बाहर का रास्ता ढूंढ पाए, और उनको यहाँ पर ये पता भी नहीं था कि खेल खेल में वो किस बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। एड अपने बच्चों को अपने शिकार के बारे में अलर्ट कर देता है। सभी दोस्तों को रास्ते में हॉरर कॉस्ट्यूम पहने बहुत से नॉर्मल लोग डरा देते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन उनमें से ही एड के बच्चे भी कॉस्ट्यूम पहनकर छुपे हुए थे। फिर ऐसी रात हो जाती है और किसी को भी रास्ता नहीं मिलता है। मेलिनी एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी होकर अपने दोस्तों को आवाज़ देती है, लेकिन उसको अपने दोस्त कहीं पर भी नज़र नहीं आते हैं और ना ही बाहर जाने का रास्ता उसे नज़र आता है। यहाँ पर गेमिन ब्रेंडन का रास्ता रुककर उसे सेड्यूस कर रही थी, लेकिन ब्रेंडन उसे बता देता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। गुस्से में गेमिन ब्रेंडन के पैर पर वार कर देती है और किसी तरह खुद को संभाल कर ब्रेंडन वहाँ पर भागने लगता है। दूसरी तरफ मेलिनी को डेकिन चेनसों से मारने वाला था, लेकिन मेलिनी अपना चाकू निकालकर डेकिन के पैर पर वार करके भाग जाती है, लेकिन फिर भी डेकिन उसका पीछा नहीं छोड़ता है। डेकिन को रास्ते में गेमिन मिलती है जिसने ब्रेंडन को इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया था, और गेमिन डेकिन से कहती है कि वो ब्रेंडन को लैब में लेकर चले जाए। दूसरी तरफ रस्टिन को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था, वो अब भी कॉस्ट्यूम वाले किलर को मजाक में ले रहा था। उसी टाइम जैक रस्टिन का एक हाथ काट डालता है। मेलिनी वहां पर आकर रस्टिन को अपने साथ में चलने को कहती है, लेकिन दर्द के कारण रस्टिन को कुछ भी होश नहीं था। जैक वहां पर आकर मेलिनी को रस्टिन से दूर कर देता है और बर्नार्ड कार से रस्टिन को कुचल देता है, जिससे कि रस्टिन वहीं पर मारा जाता है। मेलिनी जैक के सर में चाकू घुसाकर वहां से भाग जाती है और इस तरफ लैब में गेमिन ब्रेंडन की चमड़ी निकाल रही थी। ब्रेंडन दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था और बेहोश हो जाता है।
यहाँ पर वेंडी अब तक बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी और उसी टाइम उसके सामने एंडी और केविन आते हैं। एंडी और केविन अपनी आइसक्रीम वैन लेकर आते हैं। वो लोग वेंडी को आइसक्रीम खरीदने को कहते हैं, लेकिन वेंडी वहाँ से जाने लगती है। उसी टाइम एंडी वेंडी के गले में एक रस्सी डालकर उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। वेंडी किसी तरह रस्सी को निकालकर एंडी के हथियार से उसको पीट पीट कर वहाँ से भाग जाती है। एंडी ट्रक से वेंडी का पीछा करने लगता है और रास्ते में मेलिनी और वेंडी एक दूसरे से मिलते हैं। मेलिनी वेंडी को अपनी जान बचाकर भागने को कहती है और उसी टाइम केविन वेंडी के पैर पर एक तीर मार देता है। तीर में एक रस्सी लगी हुई थी और उसी रस्सी को खींचकर एंडी वेंडी को अपने साथ में ले जाता है। डर के मारे मेलिनी वहाँ से भागती है, लेकिन किसी तरह मेलिनी उस लैब तक आ गई थी। मेलिनी लैब के अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनकी चमड़ी भी निकली हुई है। लेकिन मेलिनी को यहाँ पर डेकिन देख लेता है और वो अब उसका गला दबाकर उसको बेहोश कर देता है। मेलिनी की जब आंखें खुलती है तो उसके पास में वेंडी दर्द से चिल्ला रही थी और उन किलर्स ने वेंडी की स्किन निकाल दी थी। उसी टाइम वहाँ पर किलर फैमिली आ जाती है और वेंडी की स्किन उनको मिल चुकी थी, इसीलिए वे लोग वेंडी का गला काटकर उसको मार डालते हैं। यहाँ पर हमें उस किलर फैमिली का मोटिव पता चल जाता है कि वे लोग इंसानों को क्यों मार रहे हैं। असल में वे लोग एक आइसक्रीम बनाते थे जिसे खाने के बाद में लोग हमेशा जवान रहा करते थे और वो आइसक्रीम कुछ स्पेशल लोगों की स्किन से ही बनाई जाती थी। मेलिनी की स्किन उनकी आइसक्रीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, तो इसीलिए स्टाम्प को चेक करते टाइम मेलिनी के स्टाम्प से आवाज आ गई थी और उनको पता चल गया था कि मेलिनी की स्किन परफेक्ट है। मेलिनी और उसके दोस्तों की स्किन में ही वो परफेक्ट जींस थे जिससे कि एजिंग को रोका जा सकता था। और अब वे लोग मेलिनी को जिंदा रखकर उसकी स्किन को जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते थे और नई स्किन उसके शरीर पर कुछ ही दिनों में निकल जाएगी। वेंडी के हाथ में जो चाकू था वो उसे अपनी रस्सी को काट लेती है। उसे पता था कि वो किलर से बचकर यहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो इसीलिए वेंडी चाकू से अपना गला काट लेती है ताकि वे लोग उसकी स्किन को यूज़ नहीं कर पाए। लेकिन वे लोग वेंडी को जिंदा बचा लेते हैं और आइसक्रीम के लिए उसकी स्किन का यूज़ करते हैं। कहानी फिर कुछ दिन के बाद में शुरू होती है जहाँ पर सारा ब्रेंडन को ढूंढते हुए उसके मिसिंग पोस्टर लगा रही थी और लोगों से ब्रेंडन के बारे में पूछ रही थी। सारा एक शॉप पर आती है जो किसी और का नहीं बल्कि उसी किलर फैमिली की शॉप थी। वहाँ पर गेमेन और एड फेस क्रीम को सेल कर रहे थे। सारा उनके पास में आकर भी ब्रेंडन के बारे में पूछती है और वे लोग ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने पहले कभी ब्रेंडन को देखा ही नहीं था। गेमन सारा को एक फेस क्रीम देती है। सारा उस क्रीम को लगाकर इमोशनल फील कर रही थी और उसको क्रीम में ब्रेंडन की खुशबू आ रही थी। लेकिन सारा को क्या पता था कि उसी क्रीम में उसके बेटे ब्रेंडन की स्किन मिली हुई थी। और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी में हमने एक ऐसी फैमिली को देखा जो कि लोगों को किडनैप करके उनकी चमड़ी निकालकर उनसे एक क्रीम बनाया करते थे। उस क्रीम से लोग जवान रहते थे, लेकिन वो क्रीम सिर्फ स्पेशल डीएनए वाले लोगों की स्किन से बनाया जाता था। मेलिनी और उसके दोस्त उन्हीं स्पेशल लोगों में से थे। उन फैमिली पर किसी को भी शक नहीं हुआ क्योंकि वे लोग बाहर से एक थीम पार्क चलाते थे और मेस के अंदर उनका एक लैब था जहाँ पर कोई भी जा नहीं सकता था, और अगर कोई अंदर जाता भी था तो कभी भी मेस से बाहर नहीं आ पाता था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये हॉरिफाइंग मूवी का एक्सप्लेनेशन? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि जल्दी ही मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाला हूँ।